हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। होप करता हूं आप लोग बढ़िया होंगे, आगे भी बढ़िया रहना। सो फ्रेंड्स, इस वाले वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं शॉटगन हेडशॉट ट्रिक, आप लोग कैसे फ्री फायर में ऑल शॉटगन से हेडशॉट मार सकोगे। गाइस, ये वाला वीडियो देखने के बाद आप लोग कोई और वीडियो नहीं देखने पड़ेगा यूट्यूब पर। इस वाले वीडियो आप लोग लास्ट तक एंड तक ठीक से वॉच कर लेना, इसके बाद आप लोग कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा यूट्यूब पर। और ऐसा कोई ट्रिक शायद ही पहले कोई बताया होगा, तो इस वाले वीडियो को जरूर से एंड तक देखना एंड वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए गाइस, फर्स्ट जो ट्रिक है वो है सेंसिटिविटी। आपको सेंसिटिविटी के ऊपर फर्स्ट ट्रिक होने वाला है, तो आप लोगों को जो अपना सेंसिटिविटी रखना है, गेम का सेंसिटिविटी सब कुछ 100 रखना है, रेड डॉट जनरल सब कुछ 100 रखना है, समझ गए ना। एंड गाइस, मतलब सेटिंग के अंदर सेकंड जो काम करना पड़ेगा वो है फायर बटन पोजीशन। मैं साइज के बारे में कुछ नहीं बोलूँगा, साइज आप लोग जितना भी रख सकते हो, मगर जो फायर बटन पोजीशन है वो जितना हो सके उतना नीचे रखना, समझ रहे हो ना, जितना हो सके उतना नीचे रखना, नीचे कैसे ट्रैक करने में आसानी होती है। सो गाइस, ये तो था बेसिक ट्रिक। अब हम गेम के अंदर जो ट्रिक फॉलो करेंगे वो ट्रिक बताने वाले हैं। गाइस, बैकग्राउंड के साउंड को इग्नोर मार दो, मेरे साउंड को आप लोग सही से सुनो, ठीक है। तो गाइस, अभी बात करते हैं जो गेम में आप लोगों को क्या करना पड़ेगा। तो ठीक है, चलो गाइस सेकंड ट्रिक की ओर चलते हैं। सो सेकंड जो ट्रिक है वो है आप लोगों का एमिंग के ऊपर। आप लोगों को किधर अपना एम रखना चाहिए, कैरेक्टर के किधर आप लोगों का एम रखना चाहिए, वो है सेकंड ट्रिक। तो चलिए डिटेल्स में जानते हैं। इधर देखो, बंदा खड़ा है और मैंने एम को बंदे से पूरा लेफ्ट साइड रखा है ना, ठीक है। आप लोगों को ऑलवेज अपना जो एम है वो बंदे से लेफ्ट साइड रखना पड़ेगा, तभी आप लोगों को हेडशॉट लगेगा। आप लोग को जो एम है हमेशा बंदा का लेफ्ट में रखना पड़ेगा, चाहे वो रेड हो या फिर वाइट हो, हमेशा बंदे की लेफ्ट में रखना पड़ेगा। सो गाइस, अभी बात करते हैं थर्ड ट्रिक। थर्ड जो ट्रिक है वो है रोटेशन ड्रैग। अगर आप लोग रोटेशन ड्रैग नहीं कर पाओगे तो कुछ भी नहीं कर पाओगे गाइस। सो गाइस, रोटेशन ड्रैग करने में सिंपल से एक तरीका है, जो कि अपना एम को लेफ्ट साइड रखना एनिमी के, और फिर गन स्विच को ऐसा रोटेट करना जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हो। तो होप करता हूँ आप लोग रोटेशन ड्रैग के बारे में समझ चुके होंगे, ज़्यादा डीप में बात नहीं करेंगे। अगर आप लोग ज़्यादा डीप में बात करते हो तो कमेंट करके जरूर बताओ। सो फ्रेंड्स, अभी बात करते हैं लास्ट ट्रिक जो है ड्रैग स्पीड के ऊपर। आप लोगों को ड्रैग स्पीड कितना करना चाहिए, तो गाइस ड्रैग जो स्पीड होना चाहिए वो हाई स्पीड होना चाहिए। हाई स्पीड मतलब आप लोग समझ रहे हो कि 0.01 सेकंड में आप लोग को ट्रैक करना पड़ेगा, वो भी पूरा फुल स्पीड में रोटेशन ट्रैक करना पड़ेगा। सो यही था आज का वीडियो। होप करता हूं ट्रैक स्पीड रोटेशन सब कुछ आप लोगों को समझ में आ गया। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक जरूर करना गाइस। तो मिलते हैं अगले किसी और नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं, बाय बाय।